हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू सिलेक्ट आईएएस। सिलेक्ट आईएएस के करंट अफेयर प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, यहां पर हम ई दृष्टि घटना चक्र करंट अफेयर को कवर कर रहे हैं, तो इस सीरीज को आपको कंटिन्यू फॉलो करना है। और आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं साइंस से रिलेटेड करंट अफेयर। तो इस मैगजीन, यह मैगजीन आपकी लेटेस्ट मैगजीन है और इस पर आपकी 3 क्लासेज ऑलरेडी आ चुकी हैं, जहाँ पर हमने नेशनल करंट अफेयर, इंटरनेशनल करंट अफेयर और इकोनॉमिक्स से रिलेटेड करंट अफेयर हमने डिस्कस किया था। आज की क्लास में हम साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड करंट अफेयर आपका डिस्कस करेंगे। तो इसके थ्रू आपका एक साल का पूरा करंट अफेयर कवर हो जाएगा। आप देख सकते हैं ये लेटेस्ट मैगजीन है और इसमें 1 अगस्त 2022 से 20 अगस्त 2023 तक का आपका पूरा करंट अफेयर अच्छे से कवर हो जाएगा। आप किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, ये मैगजीन आपके सभी एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा फुल होगी। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो आप यहां पर देख सकते हैं, यहां से आपका वैज्ञानिक साइंस से रिलेटेड करंट अफेयर स्टार्ट हो जाता है, जिसमें सबसे पहला है आपके सामने, भारत की कौन सी पहली लंबी दूरी की साइड विंग रिवॉल्वर को लॉन्च किया गया है। तो यह है आपकी प्रबल रिवॉल्वर को लॉन्च किया गया है 18 अगस्त 2023 को। इस रिवॉल्वर की मारक दूरी कितनी है, तो इसकी मारक दूरी आपकी 50 मीटर है। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय स्किल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन का शुभारंभ कहां किया गया है। तो सबसे पहले आपको याद रखना है इस मिशन का शुभारंभ कब किया गया है, तो 1 जुलाई 2023 को किया गया है। और कहां पर किया गया था, तो यह मध्य प्रदेश के शहडोल में इस मिशन का शुभारंभ किया गया है। आपको इसको जरूर से याद रखना है। नेक्स्ट है, इस मिशन का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। भारत में कब तक स्किल सेल एनीमिया के उन्मूलन का लक्ष्य निर्धारित किया गया है, तो यह लक्ष्य वर्ष 2047 तक के लिए इसको निर्धारित किया गया है। नेक्स्ट है आपका, भारत के पहले 700 मेगावाट क्षमता के स्वदेशी परमाणु ऊर्जा रिएक्टर का वाणिज्यिक संचालन कहां शुरू हुआ है, तो यह है फ्रेंड्स गुजरात के काकरा पार में इसका संचालन शुभारंभ हुआ है 30 जून 2023 को। नेक्स्ट है, यूक्लिड अंतरिक्ष यान को किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, तो इस अंतरिक्ष यान को स्पेस एक्स के द्वारा 1 जुलाई 2023 को लॉन्च किया गया है। इसे किस रॉकेट के माध्यम से लॉन्च किया गया है, तो इसे फाल्कन 9 रॉकेट के माध्यम से लॉन्च किया गया है। और इसे किसके द्वारा डिजाइन किया गया है, तो इसे यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी के द्वारा डिजाइन किया गया था। नेक्स्ट है, इस यान को किस उद्देश्य से, देखिए इस यान को किस उद्देश्य से लॉन्च किया गया है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं इस यान का उद्देश्य है बेसिकली डार्क मैटर और डार्क एनर्जी के अध्ययन हेतु, तो इसे डार्क मैटर और डार्क एनर्जी के अध्ययन के लिए लॉन्च किया गया है। अगली पीढ़ी की बेतार तकनीक में नवाचार एवं सहयोग को बढ़ावा देने के लिए किसे लॉन्च किया गया है, तो यहाँ पर भारत 6G अलायंस को लॉन्च किया गया है 3 जुलाई 2023 को। नेक्स्ट है, इसे किसके द्वारा लॉन्च किया जाएगा, तो इसे किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, दूर संचार विभाग के द्वारा। किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में भारत का पहला टैली मानस चैटबोट लॉन्च किया गया है, तो इसे जम्मू एवं कश्मीर में 5 जुलाई 2023 को लॉन्च किया गया है। टैली मानस का पूरा नाम क्या है, तो यहां पर आप देख सकते हैं टैली मानस का पूरा नाम टैली मेंटल हेल्थ असिस्टेंस एंड नेटवर्किंग अक्रॉस स्टेट्स है, तो इसकी फुल फॉर्म आपको जरूर याद रखनी है। नेक्स्ट है आपका, अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ ने किस भारतीय खगोल विज्ञानी के नाम पर एक क्षुद्र ग्रह का नाम रखकर उन्हें सम्मानित किया है, तो इन्होंने अश्वनी शेखर के नाम पर एक क्षुद्र ग्रह का नाम रखकर इन्हें सम्मानित किया है। ब्रह्मांड में जीवन के उद्भव को समझने के लिए नासा के जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप द्वारा अंतरिक्ष में पहली बार किस कार्बनिक यौगिक की खोज की गई है, तो यह है आपका मिथाइल धनायन की खोज की गई है। विश्व के किस देश ने गुइलेन बैरे सिंड्रोम के कारण राष्ट्रीय स्वास्थ्य आपातकाल की घोषणा की है, तो फ्रेंड्स ये पेरू के द्वारा 8 जुलाई 2023 को राष्ट्रीय स्वास्थ्य आपातकाल की घोषणा की गई थी। किस देश ने विश्व का पहला मिथेन ईंधन संचालित अंतरिक्ष रॉकेट सफलतापूर्वक लॉन्च किया है, तो
यह चीन के द्वारा किया गया है। विश्व के पहले मिथेन ईंधन संचालित रॉकेट का क्या नाम है? तो आप देख सकते हैं ये जुहुईक 2Y2 इसका नाम है। भारत में प्रायोगिक आधार पर हीट इंडेक्स ताप सूचकांक किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो इसे भारत मौसम विज्ञान विभाग के द्वारा जुलाई 2023 में लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट है आपका सूचकांक में प्रयोग होने वाले रंग कौन से हैं? तो इस सूचकांक में हरा, पीला, नारंगी एवं लाल रंग का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है किस देश द्वारा पहली बार किसी नागरिक अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष की कक्षा में भेजा गया है? तो ऐसा चीन के द्वारा किया गया है 30 मई 2023 को। और फ्रेंड्स इन्हें किस अंतरिक्ष यान से भेजा गया है? तो इन्हें सेंझाउ 16 अंतरिक्ष यान से भेजा गया है। किस अंतरिक्ष स्टेशन पर भेजा गया है? तो इन्हें तियांगोंग अंतरिक्ष स्टेशन पर भेजा गया है। चीन के प्रथम नागरिक अंतरिक्ष यात्री का नाम क्या है? तो यह है आपके गुई हाई चाओ। भारत के पहले अंतर्राष्ट्रीय क्रूज जलपोत का क्या नाम है? तो MV एम्प्रेस ये भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय क्रूज जलपोत है। यह अपनी पहली यात्रा के लिए कहां से रवाना हुआ है? तो यह 5 जून 2023 को चेन्नई से रवाना हुआ है। MV एम्प्रेस सर्वप्रथम किस देश की यात्रा पर रवाना हुआ है? तो यह श्रीलंका की यात्रा पर गया है। MV एम्प्रेस अपनी श्रीलंका यात्रा के दौरान श्रीलंका के कितने बंदरगाहों पर जाएगा? तो यह टोटल श्रीलंका के 3 बंदरगाहों पर जाएगा। ये कौन कौन से हैं आप देख सकते हैं, हम्बनटोटा, त्रिकोणमाली और कांके संतुराई। तो ये श्रीलंका के 3 बंदरगाह हैं जहाँ पर MV एक्सप्रेस अपनी यात्रा पर जाएगा। नेक्स्ट है स्वदेशी रूप से विकसित किस हैवी वेट टारपीडो का सफल परीक्षण किया गया है? तो यह है आपका वरुणा अस्त्र का सफल परीक्षण किया गया है। वरुणा अस्त्र किस प्रकार का टारपीडो है? तो यह पोत से लॉन्च किया जाने वाला पनडुब्बी रोधी टारपीडो है। नेक्स्ट है 7 जून 2023 को रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO द्वारा किस बैलिस्टिक मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है? तो DRDO के द्वारा अग्नि प्राइम नामक बैलिस्टिक मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है। नेक्स्ट है भारत, फ्रांस और संयुक्त अरब अमीरात के बीच पहला समुद्री साझेदारी अभ्यास कहाँ आयोजित किया गया है? तो इसको ओमान की खाड़ी में 7 से 8 जून 2023 को आयोजित किया गया था। इस अभ्यास में भारतीय नौसेना का प्रतिनिधित्व किसके द्वारा किया गया है? तो इसमें INS तर्कस के द्वारा भारतीय नौसेना का प्रतिनिधित्व किया गया है। वार्षिक नौसैन्य अभ्यास एक था छठा संस्करण किन देशों के मध्य आयोजित किया गया है? तो फ्रेंड्स यह नौसैन्य अभ्यास भारत और मालदीव के बीच आयोजित किया गया था। नेक्स्ट है भारतीय नौसेना के सर्वेक्षण पोत संशोधक का जला अवतरण कहाँ किया गया है? तो इसका जला अवतरण चेन्नई में किया गया है। इस युद्धपोत का निर्माण किसके द्वारा किया गया है? तो इसका निर्माण बेसिकली गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड के द्वारा किया गया है। जून 2023 में शनि के किस उपग्रह पर फास्फोरस की खोज की गई है? तो यह है आपका एनसेलेडस उपग्रह पर फास्फोरस की खोज की गई है। नेक्स्ट है सोलर अल्ट्रावायलेट इमेजिंग टेलीस्कोप कहाँ के वैज्ञानिकों द्वारा विकसित किया गया है? तो इसे इंटर यूनिवर्सिटी सेंटर फॉर एस्ट्रोनॉमी एंड एस्ट्रोफिजिक्स पुणे के द्वारा विकसित किया गया है। इस टेलीस्कोप को इसरो के किस मिशन के साथ अंतरिक्ष में भेजा जाएगा? तो इसे आदित्य L1 मिशन के साथ अंतरिक्ष में भेजा जाएगा। भारत ने किस देश को स्वदेश निर्मित सेवारत मिसाइल कार्वेट INS किरपान उपहार स्वरूप देने की घोषणा की है? तो भारत के द्वारा यह वियतनाम को उपहार के रूप में दी जाएगी। INS किरपान किस श्रेणी की मिसाइल कार्वेट है? तो यह एक खुकरी श्रेणी की मिसाइल कार्वेट है। भारत के पहले आर्म्ड लाइट स्पेशलिस्ट व्हीकल अर्माडो का विकास किसके द्वारा किया गया है? तो यह महिंद्रा के द्वारा इसका विकास किया गया है। भारत अमेरिका के नेतृत्व वाले किस कार्यक्रम में शामिल हुआ है? तो भारत आर्टेमिस अर्काड्स में शामिल हुआ है। रमन वन इंजन का सफलतापूर्वक परीक्षण किसके द्वारा किया गया है? तो यह स्काई रूट एरोस्पेस के द्वारा इसका सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है। इसका उपयोग किस रॉकेट में किया जाएगा? तो इसका उपयोग विक्रम 1 रॉकेट में
किया जाएगा। किस अरब देश की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष मिशन पर भेजा गया है? तो यह आपकी सऊदी अरब की है। सऊदी अरब की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष मिशन पर भेजा गया है, तो ये आपको जरूर याद रखना है स्टार लगाकर। 21 मई 2023 को इनको भेजा गया था, ये काफी इंपॉर्टेंट है। उस महिला अंतरिक्ष यात्री का क्या नाम है? तो इनका नाम था रैयाना बरनावी। किस अंतरिक्ष एजेंसी ने बृहस्पति और उसके बर्फीले चंद्रमाओं के बारे में जानकारी प्राप्त करने हेतु एक मिशन लॉन्च किया है? तो फ्रेंड्स, यह आपका यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी के द्वारा इस मिशन को लॉन्च किया गया है। इस मिशन का क्या नाम है? तो इस मिशन का नाम है जुपिटर आईसी मून्स एक्सप्लोरर, यानी कि जूस मिशन। केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा भारतीय अंतरिक्ष नीति 2023 कब पारित की गई है? तो इसको 6 अप्रैल 2023 को पारित किया गया है। इसके तहत 2600 करोड़ रुपए की लागत से किस स्थान पर लेजर इंटरफेरोमीटर ग्रेविटेशनल वेव ऑब्जर्वेटरी स्थापित की जाएगी? तो यह आपकी महाराष्ट्र के हिंगोली में स्थापित की जाएगी। किस अफ्रीकी देश ने अपना पहला ऑपरेशन अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट लॉन्च किया है? तो यह केन्या के द्वारा लॉन्च किया गया है। केन्या के इस पहले सैटेलाइट का क्या नाम है? तो इसका नाम है टाइफा वन। नेक्स्ट है आपका, नासा ने किस मिशन के लिए 4 सदस्यीय चालक दल की घोषणा की है? तो यह है आपका चंद्र मिशन आर्टेमिस सेकंड, 3 अप्रैल 2023 को। इन सदस्यों के क्या नाम हैं? तो इनके नाम हैं जेरेमी हैंसन, विक्टर ग्लोवर, क्रिस्टीना कॉच और रीड वाइजमैन। नेक्स्ट है, नासा के मून टू मार्स प्रोग्राम के पहले प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो यह है आपके अमित क्षत्रिय। इसरो द्वारा वन वेब इंडिया 2 मिशन का प्रक्षेपण किस रॉकेट द्वारा किया गया? तो यह है LVM-3M3 के द्वारा इसका प्रक्षेपण किया गया है। इस मिशन के तहत कितने उपग्रहों का प्रक्षेपण एक साथ किया गया है? तो टोटल 36 उपग्रहों का प्रक्षेपण एक साथ किया गया है। नेक्स्ट है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने 12 वर्ष पुराने अपने किस उपग्रह को सफलतापूर्वक प्रशांत महासागर में गिराया है? तो यह है आपका मेघा ट्रॉपिक्स वन। मौसम और जलवायु अध्ययन के लिए उपग्रह मेघा ट्रॉपिक्स वन को कब प्रक्षेपित किया गया था? तो इसकी डेट भी आपको याद रखनी है, यह 12 अक्टूबर 2011 को प्रक्षेपित किया गया था। निसार का निर्माण किसके द्वारा किया गया है? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है आपका। तो दोस्तों, निसार का निर्माण संयुक्त रूप से नासा और इसरो के द्वारा किया गया है। भारत की किस प्रथम निजी प्रक्षेपण यान को सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया गया है? तो यह है आपका विक्रम एस। इस रॉकेट को किस मिशन के तहत प्रक्षेपित किया गया है? तो इसको मिशन प्रारंभ के तहत प्रक्षेपित किया गया है। इसका विकास किसके द्वारा किया गया है? तो इसका विकास स्काई रूट एरो स्पेस प्राइवेट लिमिटेड हैदराबाद के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट है, इसरो द्वारा परीक्षण किए गए विश्व के पहले सिंगल पीस 3D प्रिंटेड रॉकेट इंजन का नाम क्या है? तो यह आपका अग्निलेट है। अग्निलेट इंजन का विकास व डिजाइन किसके द्वारा किया गया? तो इसका विकास व डिजाइन अग्निकुल कॉस्मोस के द्वारा किया गया है। रोबोटिक मैनहोल क्लीनर का उपयोग करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? तो यह आपका केरल है। रोबोटिक मैनहोल क्लीनिंग में प्रयुक्त रोबोट का नाम क्या है? तो इसका नाम है बंडीकूट। ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसको आपको जरूर याद रखना है। नेक्स्ट है, रोबोट बंडीकूट को किस शहर में लॉन्च किया गया है? तो इसको गुरुवायूर शहर में लॉन्च किया गया है। रोबोट बंडीकूट का विकास किसके द्वारा किया गया है? तो इसका विकास जैन रोबोटिक्स तिरुअनंतपुरम के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट है, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल मिशन 2023 के तहत पहले हाइब्रिड साउंडिंग रॉकेट का प्रक्षेपण कहां से किया गया है? तो इसका प्रक्षेपण तमिलनाडु के पटुल्ली पुलम गाँव से किया गया है। एरो इंडिया 2023 का आयोजन कहां किया गया है? तो इसका आयोजन बंगलुरु में येल हंका वायु सेना स्टेशन पर किया गया है। एरो इंडिया 2023 की विषय वस्तु क्या है? तो इसकी विषय वस्तु है द रनवे टू ए बिलियन अपॉर्चुनिटीज। किस देश ने विश्व के पहले रोबोटिक चेक इन सहायक का अनावरण किया है? तो यह संयुक्त अरब अमीरात के द्वारा किया गया है। विश्व के पहले रोबोटिक्स चेक इन सहायक का क्या नाम है? तो इसका नाम है सारा, ये आपको याद रखना है।
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने क्वांटम प्रौद्योगिकी हेतु औद्योगिक अनुसंधान और विकास को पोषित करने के लिए किस मिशन को मंजूरी प्रदान की है? तो यह है आपका राष्ट्रीय क्वांटम मिशन। राष्ट्रीय क्वांटम मिशन को 19 अप्रैल 2023 को मंजूरी प्रदान की गई है। राष्ट्रीय क्वांटम मिशन को किस अवधि के लिए मंजूरी प्रदान की गई है? तो इसे वित्तीय वर्ष 2023-24 से वित्तीय वर्ष 2030-31 के लिए मंजूरी प्रदान की गई है। विश्व में राष्ट्रीय क्वांटम मिशन को मंजूरी देने वाला भारत किस नंबर का देश बना है? तो भारत 7वें नंबर का देश बना है। नेक्स्ट है, क्वांटम मिशन को मंजूरी प्रदान करने वाले 7 देश कौन हैं? तो आप देख सकते हैं यहाँ पर, यह हैं आपके अमेरिका, चीन, फिनलैंड, ऑस्ट्रिया, भारत, फ्रांस और कनाडा। भारत की किस स्पेस स्टार्टअप कंपनी ने 3D प्रिंटेड क्रायोजेनिक इंजन का सफल परीक्षण किया है? तो यह है स्काईरूट एरोस्पेस के द्वारा इसका सफल परीक्षण किया गया है। 3D प्रिंटेड क्रायोजेनिक इंजन का क्या नाम है? तो इसका नाम धवन 2 है। नेक्स्ट है, भारतीय नौसेना एवं रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन द्वारा समुद्र आधारित एंडो एटमॉस्फेरिक BMD इंटरसेप्टर का पहला सफल परीक्षण कहाँ किया गया है? तो इसका पहला सफल परीक्षण ओडिशा तट बंगाल की खाड़ी पर किया गया है। विश्व का पहला 3D मुद्रित रॉकेट सफलतापूर्वक किस देश में लॉन्च किया गया है? तो इसको अमेरिका, USA में लॉन्च किया गया है। इस रॉकेट का नाम क्या है? तो इसका नाम है Terran 1। देश का पहला एयर कूल्ड कंडेंसर वाला सुपर क्रिटिकल प्लांट कहाँ स्थित है? तो यह आपका झारखंड के उत्तरी कर्णपुरा में स्थित है। इस प्लांट का निर्माण किया गया है NTPC के द्वारा। 108वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस का आयोजन कहाँ किया गया है? तो दोस्तों 3 से 7 जनवरी 2023 को 108वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस का आयोजन महाराष्ट्र के राष्ट्र संत तुकडोजी महाराज नागपुर विश्वविद्यालय में किया गया था। जून 2023 में जारी विश्व के द्रुततम सुपर कंप्यूटरों की टॉप 500 सूची के अनुसार विश्व का द्रुततम यानी कि फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर कौन सा है? तो यह अमेरिका का फ्रंटियर है। फ्रंटियर क्या है? अमेरिका का एक सुपर कंप्यूटर है जो कि सबसे ज्यादा फास्टेस्ट है, तो इसको आपको जरूर याद रखना है। नेक्स्ट है, लिनपैंक बेंचमार्क पर फ्रंटियर सुपर कंप्यूटर की अधिकतम संसाधन गति है? तो यह है 1194 पेटा फ्लॉप्स। फ्रंटियर सुपर कंप्यूटर स्थापित है, तो यह अमेरिका में स्थापित है ओक रिज नेशनल लैबोरेटरी में। टॉप 500 की नवीनतम सूची में शामिल 4 भारतीय सुपर कंप्यूटर कौन से हैं? तो ये हैं आपके एरावत PSAI जिसका 75वां स्थान है, परम सिद्धि AI 131वां स्थान है, प्रत्युष 169वां स्थान है और मिहिर 316वां स्थान है। तो ये भारत के 4 सुपर कंप्यूटर हैं। नेक्स्ट है, लिनपैक बेंचमार्क पर एरावत PSAI सुपर कंप्यूटर की अधिकतम संसाधन गति है, तो इसकी गति है 8.50 पेटा फ्लॉप्स। नेक्स्ट है, कैंसर, मधुमेह, हृदय रोग और स्ट्रोक की रोकथाम और नियंत्रण के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम का परिवर्तित नाम क्या है? तो इसका नाम है गैर संचारी रोगों की रोकथाम और नियंत्रण के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम NPNCD। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय चिकित्सा उपकरण नीति 2023 को केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा कब मंजूरी प्रदान की गई है? तो इसको 26 अप्रैल 2023 को केंद्रीय मंत्रिमंडल के द्वारा मंजूरी प्रदान की गई है। मंत्रिमंडल द्वारा कितने नर्सिंग कॉलेजों की स्थापना को मंजूरी प्रदान की गई है? तो टोटल 157 नर्सिंग कॉलेजों की स्थापना को मंजूरी प्रदान की गई है। नेक्स्ट है, वर्ल्ड वैक्सीन कांग्रेस 2023 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो इसका आयोजन अमेरिका के वॉशिंगटन में किया गया है। वर्ल्ड वैक्सीन कांग्रेस में भारत की किस कंपनी ने पुरस्कार जीता है? तो भारत बायोटेक ने यहां पर पुरस्कार जीता है। भारत सरकार ने कुत्तों से होने वाले रेबीज के उन्मूलन के लिए किस योजना की शुरुआत की है? तो यह है आपकी NAPRE, तो इस योजना का शुभारंभ किया है रेबीज के उन्मूलन के लिए। किस वर्ष तक भारत में रेबीज उन्मूलन के लिए NAPRE योजना शुरू की गई है? तो वर्ष 2030 तक भारत का लक्ष्य है रेबीज उन्मूलन का। विश्व क्षय रोग दिवस के अवसर पर वन वर्ल्ड TB शिखर सम्मेलन का आयोजन कहां किया गया है? तो इसका आयोजन वाराणसी में 24 मार्च 2023 को किया गया था।
नेक्स्ट है, स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा कोविड-19 से बचाव के लिए नाक इंट्रानसल से दिए जाने वाले विश्व के पहले टीके का शुभारंभ किया गया, जिसका नाम है, तो इसका नाम था इनकोवैक BBVI-154। 26 जनवरी 2023 को इस टीके का शुभारंभ किया गया था। विश्व का सबसे ऊंचा मौसम स्टेशन कहाँ स्थापित किया गया है, तो यह आपका माउंट एवरेस्ट पर स्थापित किया गया है। यह स्टेशन कितनी ऊंचाई पर अवस्थित है, तो यह 8,810 मीटर की ऊंचाई पर अवस्थित है। भारत में चीतों के पुनर्वास के क्रम में पुनः कितने चीते भारत लाए गए हैं, तो 18 फरवरी 2023 को 12 चीते भारत लाए गए हैं। और यह चीते कहां से लाए गए थे, तो यह दक्षिण अफ्रीका से लाए गए थे। उत्तर प्रदेश के किन दो स्थानों पर इफको नैनो यूरिया तरल संयंत्र का उद्घाटन किया गया है, तो यह आपका आंवला और फूलपुर में इनका उद्घाटन किया गया है। जम्मू कश्मीर के किस जिले में लिथियम के भंडार की खोज की गई है, तो यह है आपका रियासी जिले के सलाल हैमाना क्षेत्र में। विश्व में सर्वाधिक ज्ञात लिथियम भंडार किस देश में है, तो यह है आपका चिली में है। तो चिली में विश्व में सर्वाधिक ज्ञात लिथियम भंडार है। 20 अप्रैल 2023 को घटित हाइब्रिड सूर्य ग्रहण को क्या नाम दिया गया है, तो दोस्तों इसे निंगालू ग्रहण नाम दिया गया है। नासा ने कौन सा वायु गुणवत्ता मॉनिटर लॉन्च किया है, तो यह है आपका टेम्पो। टेम्पो की फुल फॉर्म आप देख सकते हैं, ट्रोपोस्फेरिक एमिशंस मॉनिटरिंग ऑफ पोल्यूशन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहां पर प्रोजेक्ट टाइगर के 50 वर्षों के स्मरणोत्सव कार्यक्रम का उद्घाटन किया है, तो यह आपका कर्नाटक के मैसूर में इसका उद्घाटन किया गया था। किस वन्यजीव अभयारण्य में पहली बार बाघों के फोटोग्राफिक साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, तो यह है आपका सुहेलवा वन्यजीव अभयारण्य। किस राज्य में सुहेलवा वन्यजीव अभयारण्य अवस्थित है, तो यह आपका उत्तर प्रदेश में है। अप्रैल 2023 में जापान के वैज्ञानिकों ने किस नए यूरेनियम समस्थानिक की खोज की है, तो यह आपका यूरेनियम 241 है। प्राकृतिक अवस्था में यूरेनियम के 3 समस्थानिक कौन से होते हैं, तो यह है आपका यूरेनियम 234, यूरेनियम 235 और यूरेनियम 238। नेक्स्ट है, केरल राज्य अंतर्देशीय नेविगेशन निगम के कहां पर भारत के पहले सौर ऊर्जा संचालित पर्यटक पोत का अनावरण किया गया है, तो यह है आपका कोच्चि में इसका अनावरण किया गया है। भारत का पहला सौर ऊर्जा संचालित पर्यटक पोत है, तो यह है आपका सूर्यांशु, इसका नाम भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट है, विश्व का पहला गिद्ध संरक्षण और प्रजनन केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है, तो इसको उत्तर प्रदेश में स्थापित किया गया है। यह उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थापित है, तो यह महाराजगंज जिले में स्थापित है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कितनी बड़ी बिल्ली प्रजातियों को बचाने के लिए इंटरनेशनल बिग कैट्स अलायंस की शुरुआत की है, तो ऐसा टोटल 7 बड़ी बिल्लियों की प्रजाति हैं जिनको बचाने के लिए इंटरनेशनल बिग कैट्स अलायंस की शुरुआत की गई है 9 अप्रैल 2023 को। ये 7 बिग कैट प्रजातियां कौन कौन सी हैं, तो आप यहां पर देख सकते हैं, ये 7 बिग कैट प्रजातियां हैं शेर, बाघ, तेंदुआ, हिम तेंदुआ, प्यूमा जगुआर और चीता। केंद्र सरकार द्वारा कितने नए परमाणु रिएक्टरों की स्थापना के लिए अनुमति प्रदान की गई है, तो टोटल 10 परमाणु रिएक्टरों की स्थापना के लिए अनुमति प्रदान की गई है 5 अप्रैल 2023 को। इनकी स्थापना किन राज्यों में की जाएगी, तो आप देख सकते हैं इनकी स्थापना कर्नाटक, हरियाणा, मध्य प्रदेश और राजस्थान में की जाएगी। स्थापित किए जाने वाले इन रिएक्टरों की क्षमता कितनी होगी, तो इनकी क्षमता 700 मेगावाट प्रत्येक की होगी। ओडिशा सरकार द्वारा किन पहाड़ियों को जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया गया है, तो ओडिशा सरकार के द्वारा गंधमर्दन पहाड़ियों को जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया गया है। किस राज्य सरकार ने थानथाई पेरियार वन्यजीव अभयारण्य के गठन हेतु अधिसूचना जारी की है, तो ऐसा तमिलनाडु राज्य सरकार के द्वारा किया गया है। एशिया के सबसे बड़े 4 मीटर अंतर्राष्ट्रीय लिक्विड मिरर टेलीस्कोप का उद्घाटन कहाँ किया गया है, तो यह उत्तराखंड के देवस्थल में इसका उद्घाटन किया गया है। स्विस फर्म IQ एयर द्वारा जारी वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2022 में वार्षिक औसत PM2.5 सांद्रता की दृष्टि से भारत को विश्व में कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है, तो भारत को 8वां स्थान यहाँ पर प्राप्त हुआ है। इस रिपोर्ट के अनुसार शीर्ष 3 प्रदूषित देश कौन से हैं, तो यह है आपके चाड, इराक और पाकिस्तान। नेक्स्ट है आपका लिकोरिस मुलेठी की व्यावसायिक खेती प्रारंभ करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है, तो यह बना है आपका हिमाचल प्रदेश।
इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 किसने जारी की है? तो यह है आपकी केंद्रीय पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के द्वारा इसको जारी किया गया है। ISFR इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट किसके द्वारा तैयार की जाती है? तो इसको भारतीय वन सर्वेक्षण के द्वारा जारी तैयार किया जाता है। नेक्स्ट है, भारत में कुल वनावरण एवं वृक्ष आवरण कितना है? तो यह है आपका 80.9 मिलियन हेक्टेयर। देश के कुल भौगोलिक क्षेत्र का 24.62%। इंडियन स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट 2019 की तुलना में इंडियन स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 में देश के कुल वनावरण एवं वृक्षावरण में कितनी वृद्धि हुई है? तो टोटल 2,261 वर्ग किलोमीटर की यहां पर वृद्धि हुई है। इंडियन स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 के अनुसार भारत में कुल वनावरण कितना है? तो यह 71.38 मिलियन हेक्टेयर है। नेक्स्ट है आपका ISFR 2019 की तुलना में ISFR 2021 में वनावरण में कितनी वृद्धि हुई है? तो टोटल 1540 वर्ग किलोमीटर 0.22% की वृद्धि हुई है। ISFR 2021 के अनुसार उत्तर प्रदेश में वनावरण कितना है? तो उत्तर प्रदेश में कुल भौगोलिक क्षेत्र का 6.15% वनावरण है। ISFR 2021 के अनुसार उत्तर प्रदेश के सर्वाधिक वनावरण वाले शीर्ष 5 जिले कौन से हैं? तो ये हैं आपके सोनभद्र, खीरी, मिर्जापुर, पीलीभीत और चित्रकूट। ISFR 2021 के अनुसार उत्तर प्रदेश के सर्वाधिक वनावरण प्रतिशतता वाले शीर्ष 5 जिले हैं, तो ये हैं आपके सोनभद्र, चंदौली, चित्रकूट, पीलीभीत और श्रावस्ती। भारत के प्रथम भारतीय वायुसेना विरासत केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो इसका उद्घाटन चंडीगढ़ में किया गया है। भारत ने किस देश को एक तीर्व गश्ती पोत और लैंडिंग क्राफ्ट पोत सौंपा है? तो यह मालदीव को सौंपा गया है। नेक्स्ट है आपका संयुक्त सैन्य प्रशिक्षण अभ्यास धर्म गार्जियन का आयोजन कहाँ किया गया है? तो इसका आयोजन जापान के कैंप इमाजू में किया गया है। धर्म गार्जियन किन देशों के बीच आयोजित किया जाता है? तो धर्म गार्जियन नामक सैन्य अभ्यास भारत और जापान के बीच आयोजित किया जाता है। नेक्स्ट है, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने किसे एक उन्नत हल्का हेलीकॉप्टर मार्क 3 प्रदान किया है? तो ये मॉरिशस को प्रदान किया गया है। नेक्स्ट है, किस स्वदेश निर्मित लड़ाकू विमान को INS विक्रांत पर सफलतापूर्वक लैंड करवाया गया है? तो इसको तेजस INS विक्रांत पर सफलतापूर्वक लैंड कराया गया है। तो यह तेजस है आपका, जो कि एक स्वदेश निर्मित लड़ाकू विमान है। देश की सबसे बड़ी हेलीकॉप्टर विनिर्माण सुविधा केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो इसका उद्घाटन 6 फरवरी 2023 को कर्नाटक के तुमकुरु में किया गया है। हेलीकॉप्टर विनिर्माण सुविधा का निर्माण किसके द्वारा किया गया है? तो इसका निर्माण हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के द्वारा किया गया है। किस स्वदेशी विध्वंसक युद्धपोत के परीक्षण के लिए पहली बार उसे समुद्र में उतारा गया है? तो यह है आपका INS इम्फाल। INS इम्फाल स्वदेशी विध्वंसक युद्धपोत को पहली बार समुद्र में उतारा गया है। किस प्रोजेक्ट के तहत युद्धपोत इम्फाल का निर्माण किया गया है? तो यह प्रोजेक्ट 15B है। अजी वॉरियर 2023 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो इसका आयोजन सैलिसबरी मैदान यूनाइटेड किंगडम में किया गया है। इसका आयोजन किन देशों के बीच किया गया है? भारत और यूनाइटेड किंगडम के बीच इसका आयोजन किया गया है। सैन्य खर्च पर सिप्री की रिपोर्ट 2022 के अनुसार वर्ष 2022 में शीर्ष 3 सैन्य व्यय करने वाले देश कौन से हैं? तो यह है आपके संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन एवं रूस। भारत सैन्य खर्च के मामले में विश्व में किस स्थान पर है? तो भारत 4th स्थान पर है। अभ्यास कोप इंडिया 2023 का आयोजन कहाँ हुआ है? तो इसका आयोजन वायुसेना स्टेशन कलाईकुंडा, पानागढ़ और आगरा में किया गया है। इस अभ्यास में शामिल हुए हैं भारतीय वायुसेना, अमेरिकी वायुसेना। विश्व का पहला तरल हाइड्रोजन संचालित पोत कौन है? तो यह है आपका MF हाइड्रा। किस देश में MF हाइड्रा पोत का अनावरण किया गया है? तो ऐसा नॉर्वे में किया गया है। नेक्स्ट है, अमोघ 3 नामक एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का परीक्षण किसने किया है? तो इसका परीक्षण भारत डायनेमिक्स लिमिटेड के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट है, सिलिनेक्स 2023 युद्धाभ्यास किन देशों के मध्य आयोजित हुआ है? तो यह है भारत और श्रीलंका के मध्य आयोजित हुआ है। रक्षा मंत्रालय ने प्रोजेक्ट आकाश तीर के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के साथ, बेल के साथ इसका समझौता किया गया है।
आकाशी तीर क्या है? तो यह है स्वचालित वायु रक्षा नियंत्रण और रिपोर्टिंग प्रणाली है। किन के बीच क्षेत्र प्रशिक्षण अभ्यास एफिनडेक्स 2023 का आयोजन किया गया है? तो यह है भारत और अफ्रीका संघ के बीच इसका आयोजन किया गया है। एफिनडेक्स 2023 का आयोजन कहाँ किया गया था? तो इसका आयोजन पुणे में किया गया है। किस पोत को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा प्रेसिडेंट कलर प्रदान किया गया है? तो यह है आपका INS द्रोणाचार्य। ट्रेड्स इन इंटरनेशनल आर्म्स ट्रांसफर्स 2022 नामक रिपोर्ट किसने जारी की है? तो इस रिपोर्ट को सिप्री के द्वारा जारी किया गया है। वर्ष 2018 से 2022 के मध्य विश्व का शीर्ष शस्त्र आयातक देश कौन बना है? तो यह आपका भारत बना है। भारत का शीर्ष शस्त्र आपूर्तिकर्ता देश कौन है? तो यह आपका रूस है। भारत को शस्त्र आपूर्तिकर्ता देशों की सूची में रूस की भागीदारी कितनी है? तो रूस की भागीदारी 45% है। कलवरी श्रेणी को किस पनडुब्बी को भारतीय नौसेना में शामिल किया गया है? तो यह है INS वागीर। INS वागीर को भारतीय नौसेना में शामिल किया गया है। भारत पहली बार किस देश को स्वदेशी पिनाका रॉकेट लॉन्चर प्रणाली का निर्यात करेगा? तो भारत पहली बार आर्मेनिया देश को स्वदेशी पिनाका रॉकेट लॉन्चर प्रणाली को निर्यात करेगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आप देख सकते हैं आज की क्लास में हमने साइंस से रिलेटेड आपका जितना भी करंट अफेयर था इस दृष्टि में, उसको बहुत अच्छे से यहाँ पर कवर किया है। नेक्स्ट क्लास आपकी जो भी सॉल्ट न्यूज़ आपकी करंट में रही हैं, तो उनको हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। जो भी राष्ट्रीय व्यक्तित्व थे जो हाल फिलहाल चर्चा में रहे हैं, उनको हम आपकी नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। आई होप कि आपको आज की क्लास पसंद आई हो। तो फ्रेंड्स, इस सीरीज़ को हम डेली कंटिन्यू करेंगे। आपको इसको रेगुलर बेसिस पर डेली फॉलो करना है और आपके सभी एग्ज़ाम के लिए ये सीरीज़ काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण साबित होगी। तो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, कीप वॉचिंग। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।